What is up, ladies and gentlemen? हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे टीम एक्सो के बारे में, जिन्होंने जीता है स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम 2022। अब इसी इवेंट से रिलेटेड एक और न्यूज है हमारे पास, जो ये है कि टीम नगेट को इस टूर्नामेंट में बैन किया गया था, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि स्काई स्पोर्ट्स का स्टेटमेंट इस चीज पर क्या था। फिर बात करेंगे वैलोरेंट के सबसे नए पैच 4.03 के बारे में और देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड इन द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और CS:GO मेजर अनाउंस हो चुका है, जहां पे लाइव ऑडियंस भी हमको देखने को मिलेगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग ई-स्पोर्ट्स 360। What is up, ladies and gentlemen? एक बार फिर से स्वागत है eSports 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि आई बिलीव आप सबको अभी तक पता चल ही चुका होगा, स्काई स्पोर्ट्स का ग्रैंड स्लैम 2022 का BGMI टाइटल अपने नाम किया है टीम एक्सो ने, और साथ ही साथ उन्होंने जीते हैं 8 लाख रुपए। ग्रैंड फाइनल्स पूरे 7 दिन तक चला था एंड इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। टीम एक्सो की सुपर कंसिस्टेंसी से उन्होंने अच्छी फाइट्स ली और बहुत ही बेहतरीन रोटेशन के साथ अपने एनिमीज को बीट किया। उन्होंने 444 पॉइंट्स अपने नाम किए, जिसमें 5 चिकन डिनर्स भी शामिल थे। टीम सोल और स्काईलाइट गेमिंग की अगर बात करें तो ये रिस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आए। टूर्नामेंट MVP का खिताब मिला है गॉडलाइक के जोनाथन को, एंड ही हैड अ वॉपिंग 69 किल्स इन दिस टूर्नामेंट। NTSM गॉट द मोस्ट फिनिशेस इन द फिनाले। अब ग्रैंड स्लैम में एक्शन तो हमको देखने को मिल ही रहा था, बट थोड़ा सा मसाला भी यहाँ पे इस बात में ऐड हुआ था कि टीम नगेट को बैन कर दिया गया था टूर्नामेंट से। दे गॉट डिस्क्वालिफाइड एंड बैंड फॉर द नेक्स्ट 3 months एज वेल। इट वॉज अ लाइव बैन विद 90,000 to 100,000 पीपल वॉचिंग देम। TN नगेट को यूजर अग्रीमेंट वायलेट करने पर बैन मिला, जिसके डिफेंस में दे हैड दिस टू से, दे लिटरली हैड नथिंग टू प्रूव दैट देयर बैन वॉज नॉट वैलिड। स्काई स्पोर्ट्स ने प्रूफ मांगे बट टीम नगेट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और साथ ही साथ अपने गेम का POV रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं कर पाए। और अगली खबर आ रही है वैलोरेंट की दुनिया से, जहां पे वैलोरेंट का सबसे नया पैच 4.03 आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस पैच में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्रिमस्टोन के अल्टीमेट के थ्रू अब कुछ भी मिनीमैप पर विजिबल नहीं होगा। डेथ मैच में स्पॉन प्लेसमेंट चेंज कर दी गई है और आप अपने प्रीवियस पोजिशन से काफी दूर स्पॉन होंगे। DM में रिस्पॉन टाइम को 3 सेकंड से 1.5 सेकंड भी कर दिया गया है, और चेंबर के 2-day force का बग भी फिक्स कर दिया गया है। नो मोर फ्लोटिंग स्नाइपर्स। और फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, ESL One Stockholm Major 2022 अनाउंस हो चुका है, और इस बार ये होगा लाइव ऑडियंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए नॉर्डविन के यूट्यूब चैनल को, हिट कीजिए उस बेल आइकन को भी, क्योंकि काफी कुछ आने वाला है। लेट्स नॉट फॉरगेट द VCC एंथम इज कमिंग सून, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय-बाय।